एक्सपो मार्ट शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया। ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 2022 चल रहे आयोजन का समापन हुआ। हमारे दिन प्रतिनिधि के जीवन से लेकर व्यवसाय चलाने के तरीके तक प्रौद्योगिकी ने केंद्र स्तर पर कब्जा कर लिया है। ईटी टेक एक्स 2022 का आयोजन इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया गया। यह प्रदर्शनी सभी स्तरों के शैक्षणिक संस्थानों के निदेशकों, प्रधानाचार्य, मानव संसाधन पेशेवरों और शिक्षकों के लिए है। संसाधनों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए विभिन्न संसाधनों की विशाल वर्तमान और भविष्य की मांग को समर्थन और पूरा करने के लिए इसे एक छत के नीचे लाया गया है। आज प्रदर्शनी का दौर श्री चंद्र शर्मा MLC UP और प्रोफेसर SP सिंह बघेल राज्य कानून मंत्री UP द्वारा किया गया। यह शैक्षिक प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी समाधान पर एक अंतर्राष्ट्रीय B2B प्रदर्शनी है। ईटी टेक एक्स अपनी तरह की प्रदर्शनी और सम्मेलन में से एक है जो प्रशिक्षण और सीखने को सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम तकनीकी और उपकरणों को अपनाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता को सुनिश्चित करता है। 200 से अधिक ब्रांड अपने प्रोडक्ट का प्रदर्शन किया। अचानक स्कूल बंद होना, अनिश्चितता, भय, तनाव, जीवन और आजीविका में व्यवधान और पिछले एक साल में इन सभी बाहरी झटकों ने हमें झकझोर दिया और सोचने और कार्य करने के नए तरीकों पर मजबूर कर दिया। ग्रेटर नोएडा नोएडा के विभिन्न स्कूलों और विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिद्धांतों, निदेशकों, सहयोगियों ने भी प्रदर्शनी में भाग लिया। मुकेश गुप्ता, नोएडा, समाचार 24। राम जी और मैडम और हमारे सभी साथियों जो यहाँ पर बैठे हैं, सभी को नमस्कार। मुझे जब आपने इस प्रदर्शनी में आने के लिए, इस कार्यक्रम आने के लिए कहा था, तो निश्चित रूप से यहाँ आने के बाद जो मैंने महसूस किया है उससे कम ही आता था। यहाँ आने के बाद और देखने के बाद मुझे अच्छा लगा। आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी, आपके प्रतिष्ठान के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में जानने का पहली बार अवसर मिला है, लेकिन मुझे अच्छा लगा यहाँ का। और कुछ मन का संकोच भी था कि यदि मैं ज्यादा लोगों को कहूंगा मैं वहां पहुंचू और वहां देखो तो लोगों को लगेगा कहीं ये भी कंपनी के हिस्से हैं क्या, जो हमारे कंपनियों को जो परफॉर्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़े संकोच में लोगों को नहीं कह पाया। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि ये बड़ी चूक हो गई। अगली बार जब आप प्रयास करोगे तो मेरे राकेश त्यागी जी जैसे अनेक मित्र यहाँ पर होंगे जो अनेक विद्यालय चलाते हैं और जो एजुकेशन फील्ड में बड़ी पकड़ रखते हैं वो यहाँ पर होंगे। यहाँ के प्रयास मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, हम लोगों को आने वाले कल के लिए और दुनिया के बेहतर कल के लिए नागरिक तैयार करने हैं तो उसके लिए आज से ही कमर कसनी होगी और किस किस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं और उनसे कैसे निपटा जाए उसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले से प्रयास करते रहे कि हम सब लोगों को एक नए इनोवेशन हमारे बीच में होने चाहिए और उनको हम प्रमोट भी करें, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें सम्मान भी मिले, उसके लिए उन्होंने बराबर प्रयास किया। नोएडा की थाना 63 SO